हाय एवरीवन, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं ढोकला, जो बहुत ही फेमस गुजराती डिश है। ढोकला का बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 कप दही और 1 कप पानी। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कड़ी पत्ते, चीनी, नींबू, हरी मिर्च, नारियल पाउडर। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमें घोल तैयार करना होगा। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। छानने के बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार मिलाएंगे। इसमें दही डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। घोल हमें गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच राई दाना डालेंगे। अब इसमें कुछ पत्ते, कड़ी पत्ते के डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्चों को मैंने 20 से आधा आधा काट दिया है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी हमने इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि ढोकला पानी को सोखता है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और मीठा ज़्यादा रखना है इसलिए 3 चम्मच चीनी डालेंगे इसमें। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया। अब इसमें 1/2 चम्मच नींबू डाल देंगे। हमारी चाशनी तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर हम पानी डालेंगे और उसमें एक स्टैंड लगा देंगे। बर्तन को हम प्री हीट पर रख देंगे। अब हम एक केक के टीन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। चारों तरफ से हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा ढोकला इसमें चिपके ना। बैटर ने हमारे रेस्ट कर लिया है। अब हम इसमें 1 पाउच इनो का डाल देंगे। इनो डालने के बाद हम इसे मिला देंगे। अच्छे से मिलाना है। अब हमें ज़रा भी देर नहीं करनी है और फटाफट हमें ढोकला बनाने के लिए रख देना है। इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे। बर्तन हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ढोकले को रख देंगे। स्टैंड को हमें बीचों बीच रखना है ताकि हमारा ढोकला गिरे नहीं। हमें इसे 20 मिनट के लिए मीडियम गैस पर ढक के रख देंगे। 20 मिनट बाद हम देखेंगे हमारा ढोकला तैयार है या नहीं। इसे टूथपिन की सहायता से चेक कर लेंगे। हमारा ढोकला एकदम तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको इस केक टिन से बाहर निकाल लेंगे। हमारा ढोकला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी तैयार हुआ है। इस पर बनाया हुआ सिरप डाल देंगे। हमारा ढोकला एकदम तैयार है, बिल्कुल गुजराती स्टाइल में। पुरेट के लिए हम इस पर नारियल का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो आप उसको भी डाल सकते हो। आप भी इसे बनाइए और ढोकले का आनंद लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। बाय बाय।